हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा, आज के हमारे इस लेक्चर का ताल्लुक 9th क्लास के मैथ से है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ये 9th क्लास के हवाले से लेक्चर नंबर 7 है। चैप्टर हमारा है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट के ऊपर। इससे पिछले 6 वीडियोस के अंदर हमने 1.1 से लेके 1.6 तक ग्रामर रूल के बारे में सीखा। बेटा, ये 1.6 एक्सरसाइज के अंदर ही इन्वर्जन मेथड है, तो इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर में हम इन्वर्जन मेथड का इनकाउंटर करेंगे कि उसको सीखेंगे कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा, ये दोनों ही पार्ट, दोनों ही मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर आपको इन्वर्जन मेथड से भी आपको कह सकता है कि इस तरह की मैट्रिक्स दे देगा, इक्वेशंस देगा कि इसको सॉल्व करें, या वो क्रैमर रूल से भी मांग सकता है। तो लिहाजा दोनों मेथड आपको आने चाहिए। इसमें मैं आपको कम से कम 3-4 क्वेश्चंस इसी मेथड से करके दिखाऊंगा, तो मैं उम्मीद करूंगा कि बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन आप इसी मेथड से करेंगे और इंशाल्लाह कर लेंगे। सो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने आपके सामने लिखा है। इसमें कुछ तो तरीका बिल्कुल ही क्रैमर रूल की तरह का है। क्या करेंगे, सबसे पहले इसे आप मैट्रिक्स फॉर्म बनाएंगे। ये देखें ना, आपको इक्वेशंस देगा, तो आपने क्या करना है, इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। यानी यहाँ से जो भी एलिमेंट इसके साथ लिखे होंगे वो आपने उठा लेने हैं। ये देखिए, यहाँ पर साइन के साथ आप उठाएंगे तो ये आपके पास कुछ यू मैट्रिक्स बनेगी। पहली मैट्रिक्स आपके पास देखे ना, 2 उठा लिया, 3 माइनस 2 और ये 2। एक मैट्रिक्स आप एक्स और वाई की बना दें, और जो इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है 4 और 6 की एक आप मैट्रिक्स बना दें। इनको आप नाम जो है वो असाइन करें। इसको मैं ए रख लेता हूँ, ये एक्स वाई है, इसलिए इसको एक्स के इक्वल रख लिया, और जो बराबर के दूसरी साइड पर है उसको हमने बी का नाम दे दिया। अब सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आपने ए मैट्रिक्स मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा। यानी ये डिटरमिनेंट ही बताएगा कि क्या इस पे इनवर्स मेथड जो है वो अप्लाई हो सकता है या नहीं। तो डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए, 2 3 माइनस 2 2, ये आप लिखें, बार सीधे रखें। इसमें भी डिटर्मिनेंट आपने जब भी फाइंड करना है तो बेटा ये बार आपके बिल्कुल सीधे होने चाहिए। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 2 6, ये -6 फार्मूले का, और ये -6 बेटा ये प्लस हो जाएगा 6। सो ए डिटर्मिनेंट हमारा क्या आया, 4 प्लस 6 10। तो 10 हमारे पास ए डिटर्मिनेंट आया। इट मीन्स आगे आप लिख दें ए इनवर्स, इसको बोलते हैं ए इनवर्स एग्जिस्ट। यानी अब ये ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और ए इनवर्स अगर एग्जिस्ट करेगा तो फिर आप इस पे इन्वर्जन मेथड लगा सकते हैं। अब जरा, ये तो हमने डिटरमिनेंट फाइंड कर लिया, अब जरा मैट्रिक्स की तरफ आए। ये देखें, दो मैट्रिक्स जो है हमारी, ये वाली जो इस इक्वालिटी के इस तरफ बनी है, कौन कौन सी, ए और एक्स, मैं इनको नाम से रखता हूं। देखें, ए और एक्स किसके इक्वल आई है, चेक करें, बी के इक्वल आई है। ये वाली मैट्रिक्स इसके इक्वल, तो मैं इसको बी के इक्वल रखता हूं। मुझे एक्स का आंसर फाइंड करना है, यानी ये जो एक्स के अंदर एक्स वाई पड़ा हुआ है ना, इसका मुझे आंसर फाइंड करना है। यानी एक्स को मैं फाइंड करना चाहता हूं, ए इसके साथ देखें क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो जब उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो बी के साथ क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो जब डिवाइड होगा तो एक्स का आंसर क्या आएगा, ये देखो ना, यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की जो पावर है वो प्लस वन है। तो अगर मैं इसको ऊपर लेकर आऊं तो ए -1 हो जाएगा इन टू बी। ये बेटा आपका इनवर्स मेथड है। अगर आप ए इनवर्स इन टू बी कर देंगे तो एक्स और वाई का आंसर निकल आएगा। यानी एक्स एक्स ये मैट्रिक्स है, इसमें आपका एक्स वाई का आंसर निकलेगा, और ये क्या करेंगे आप, ए इनवर्स इनटू बी करेंगे। तो अब ये हम फाइंड करेंगे, तो ये हम उधर फाइंड करते हैं। देखिए जरा कैसे करना फाइंड आपने, ये देखिए, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इनटू बी,
तो सबसे पहले आप बी, तो आपके पास ये है, आपके पास ए इनवर्स नहीं है। सो ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं, या आप इससे पिछली एक्सरसाइज के अंदर, पिछली वीडियोस के अंदर सीख चुके हैं। यानी ए इनवर्स हम मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स को बोलते हैं। वो कैसे फाइंड करते हैं ये देखें। सबसे पहले हम ए इनवर्स फाइंड करेंगे। तो ए इनवर्स किसके इक्वल होता है बेटा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट तो आपने यहाँ फाइंड किया हुआ है जो कि 10 के इक्वल है। सो एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए ये देखिए क्या होगा, देखें जरा। इसी मैट्रिक्स में आए जो ए मैट्रिक्स थी, इन दोनों की जगह चेंज कर देते हैं। यानी ये 2 और ये 2, ये दोनों ही 2 हैं, लिहाजा ये तो चेंज नहीं होंगे। और इन दोनों के साइन चेंज कर देते हैं बेटा, ये माइनस था ये प्लस हो गया, और ये प्लस था ये माइनस हो गया। ये देखे ना, इस डायगोनल में आपने जगह चेंज करनी है, और ये जो दूसरा डायगोनल होगा इसके आपने साइन चेंज करने हैं। ये आपके पास एट जॉइंट ऑफ ए भी आ गया। सो ए इनवर्स क्या आएगा, यही मैट्रिक्स 2 -3, 2 एंड 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट, तो वो बेटा 10 है आपके पास। इसको आप एक साइड पे लिख लें, और 2 -3, 2 एंड 2, ये हमने इस तरह से मेंशन कर ली कि ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब हमें फाइंड ये करना है, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी। तो ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया, बी क्या है, बी ये पड़ा हुआ है। सो एक्स इज इक्वल टू आएगा, देखें ए इनवर्स पहले है, तो ये मैट्रिक्स आप पहले लिखें 1/10, 2 -3, 2 एंड 2। तो बेटा दूसरी बी, बी देखना आगे बी है, तो बी मैट्रिक्स ये पड़ी हुई है 4, तो 4 6 ये देखें, ये बी मैट्रिक्स है हमारे पास। अब यहां से आप एक्स निकालेंगे, देखें 1/10 एज इट इज आ रहा है। ये देखें दोनों क्या कर हो रहे हैं आपस में, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या मल्टीप्लीकेशन क्या है, फर्स्ट रो कॉलम, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, लेकिन जस्ट इसमें है ये कॉलम है, तो क्या करेंगे दोनों रोज को इसी कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 2 4 8, बीच में प्लस आएगा, 2 6 12। तो बेटा सेकंड रो को इसी कॉलम से करेंगे, तो 3 4 12 -12, 6 2 12 +12। तो देखिए 1/10 क्या आया हमारे पास, यहां से 20, यहां से 0, ये मेरे पास एक्स आ रहा है। इसी को देखें, ये 1/10 को अब आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं इसी के आगे स्टेप करूं, आप नीचे को करेंगे 20 डिवाइडेड बाय 10, 0 डिवाइडेड बाय 10। मैंने क्या किया है, इस 10 को दोनों के साथ डिवाइड कर दिया। सो यहां से देखें बेटा, ये तो कैंसिल हो रहा है, यहां से 2 आ रहा है, ये इससे कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। यानी एक्स एक्स किसके इक्वल है, चेक करें, एक्स इक्वल टू है एक्स वाई मैट्रिक्स के। सो मैंने इसकी जगह एक्स वाई मैट्रिक्स लिख दी इक्वल टू, यहां से 2 आया और ये 0। तो चेक करें एक्स के सामने क्या है, 2, वाई के सामने क्या है, 0। सो आप लिख दें एक्स इज इक्वल टू 2 है, वाई इज इक्वल टू 0 है, ये आपके दो आंसर आ गए। ये आपका इन्वर्सल मेथड है। यानी इन्वर्स मेथड आपने कैसे अप्लाई करना ये आपके सामने है। हम इसके एक और सवाल करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको और ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। सो बेटा ये इसका पार्ट सेकंड है, देखें इसको भी सेम उसी प्रोसेस से हम लेके चलेंगे। बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है बेटा, जस्ट आप मेथड को फॉलो करें, इंशाल्लाह आप कर लेंगे, खुद भी करेंगे इसको। तो देखें सबसे पहले वही काम आपने करना है, इसकी आपने मैट्रिक्स बनानी है, यहाँ से 1 है और ये 5 आ जाएगा, और बेटा एक एक्स वाई का आप मैट्रिक्स बना दें, और इक्वालिटी के दूसरी साइड पे है 3 और 1। तो ये हमने एक इसकी मैट्रिक्स बना दी, इसको नाम जब साइन करेंगे तो ये ए के इक्वल है, ये एक्स के इक्वल है, और ये आपकी बी के इक्वल है। सबसे पहला क्या काम है, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना। सो ए का डिटर्मिनेंट देखें क्या होगा, 2 6 1 5,
सबसे पहले ये लिखना है आपने, फिर यहाँ अगले स्टेप पे आपने इसको फाइंड करना है। देखें 5 2 10, सेंटर में माइनस आता है, 6 1 6, तो ए डिटर्मिनेंट आपके पास आ रहा है 4। अगर ये आ रहा है तो ए इनवर्स इसमें क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स कैसे निकलेगा ये देखें, दो मैट्रिक्स हमारे पास इक्वालिटी के इस तरफ बनी थी, कौन कौन सी, ए मैट्रिक्स और एक्स मैट्रिक्स, और इसको हमने किसके इक्वल रखा, बी मैट्रिक्स के। सो यहां से देखें एक्स अगर फाइंड करना है, ए इधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, ए इनवर्स इनटू बी। ये चीज आप फाइंड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उधर करते हैं, बाकी इसका हिस्सा देखें आप, ये वाला जो हिस्सा मैं यहाँ पे करूंगा वो आपने इसके नीचे लेकर चलना है आपने, ठीक है। तो चले ए इनवर्स हम यहीं पे फाइंड कर लेते हैं, तो बाकी जो मल्टीप्लीकेशन होगी वो हम वहां पे करते हैं। तो देखें ए इनवर्स हमारे पास क्या होगा, ए इनवर्स जो फॉर्मूला है वो होता है एट जॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट तो हमने फाइंड कर लिया जो कि इक्वल टू 4 है, एट जॉइंट ऑफ ए क्या होगा, तो बेटा ये एट जॉइंट ऑफ ए पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पर देखें इसी मैट्रिक्स में आएंगे आप, इन दोनों की जगह चेंज कर दें, यानी ये और ये नंबर 5 यहाँ पे आ जाएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज करेंगे तो ये -1 हो जाएगा और ये बी -6 हो जाएगा, क्योंकि देखें दोनों प्लस के थे। ये आपके पास ये भी आ गया, सो ए इनवर्स क्या है हमारे पास, 5 -6 -1 2 डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट वो है 4। ये हमारे पास ए इनवर्स आया। सो बेटा जी अभी उधर चलते हैं, तो लिहाजा ए इनवर्स हमारे पास ये आ चुका है, इसको हम आगे इसके लिख देते हैं, वो क्या होगा 1/4, यानी ये चीज आप इधर एक साइड पे लिख दें, तो क्या 5 -6 -1 एंड 2, ये हमारे पास ए इनवर्स भी आ गया। सो बी हमारे पास ये मैट्रिक्स पड़ी है, सो हम उधर आगे देखते हैं कि क्या होगा इसका आगे। देखें एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इन टू बी, ये फाइंड करना होगा हमें। सो एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स है 1/4, देखें ए हमारे पास था 5 -6 -1 एंड 2, तो बेटा जी बी क्या मैट्रिक्स, 3 और 1, तो दोनों देखें दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे हम आपस में, तो देखें क्या आता है मल्टीप्लिकेशन करने से, 1/4 को आप एज इट इज उतारते जाएं, इसको आपने एंड पे जाके अंदर मल्टीप्लाई करना है, बल्कि ये डिवाइड हो रहा होगा, आपने जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सबके नीचे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका आंसर निकल आएगा। सो 1/4 तो बाहर आ गया, 5 को 3 से करेंगे, 5 3 15, सेंटर में माइनस प्लस आता है, 1 into 1 -1, सो प्लस माइनस ये -1 हो जाएगा, यानी फर्स्ट रो को कॉलम से मल्टीप्लीकेशन की तो ये आया, सेकंड रो को करेंगे तो 6 3 18, प्लस माइनस माइनस बेटा प्लस आता है सेंटर में, 2 1 2, 1/4 एज इट इज, देखिए यहां से 14, यहां से -16, किसके इक्वल आ रहा है, एक्स के इक्वल आ रहा है। अब ये 4 दोनों के साथ आप अंदर डिवाइड कर दे, देखें 14 डिवाइडेड बाय 4, इसके नीचे भी 16 डिवाइडेड बाय 4, एक्स के इक्वल, तो बेटा अब एक्स की जगह हम क्या कर देते हैं, एक्स और वाई को पुट कर देते हैं, कि एक्स हमारी मैट्रिक्स जो थी वो हमने एक्स और वाई के इक्वल रखी हुई है। सो यहां से देखें ये 2 पे आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आएगा, 7/2, यानी 2 7 14, 2 2 4, जबकि नीचे देखें 4 1 4 4 4 16, -4 आपका आंसर आ रहा है, देखें ना 4 का टेबल डायरेक्ट आपका 16 पे जाएगा। सो एक्स और वाई आपके पास ये आएगा मैट्रिक्स, तो देखें एक्स के सामने कौन सा नंबर है, आप इधर लिखें एक्स इज इक्वल टू 7/2, वाई इज इक्वल टू -4, देखें इसको भी मैंने सेम उसी मेथड से किया, यानी
कोई इसमें मैंने कोई फर्क नहीं किया कि किसी जगह से कोई मतलब अपने से कुछ ऐड किया हो माइनस किया हो। एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं तो बेटा आप सभी क्वेश्चन इसके खुद करेंगे, कोई भी वैल्यू आपको दे दे आपने सिर्फ ये रूल फॉलो करना है। हाँ अगर आपका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए यहाँ जीरो आ जाए तो आप इसी जगह पर इसको स्टॉप कर देंगे कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखिए ना जब ए इनवर्स ही नहीं आएगा तो आप किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो वो बेटा आपको कभी कभी ऐसा होगा कि आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो यहीं से आपका जो होगा वो जीरो आ जाएगा डिटर्मिनेंट, सो आगे ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तो आपको सवाल वहीं पे स्टॉप करना पड़ेगा। लेकिन अगर उसने ऐसी इक्वेशन दे दी है तो आपके मार्क्स पूरे आएंगे उसमें, मत सोचें कि वो आपने सॉल्व तो किया नहीं है लेकिन मार्क्स आपके वो पूरे देगा, उसने इक्वेशन ही कुछ ऐसी दी थी। कुछ बच्चे इसका डिटर्मिनेंट जीरो आने के बावजूद भी इसको नेक्स्ट आगे करते रहते हैं। बेटा कोई मसला ही कोई फायदा ही नहीं है उसका करने का। आप इस बात को समझें कि जब इनवर्स उसका एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे क्या लेके चलेंगे आप इनवर्स मेथड को। ठीक देखें ये क्वेश्चन। देखें इसी के साथ हम ये आपका क्वेश्चन नंबर टू हो गया, इसी का मैं एक पार्ट और आपके सामने कर देता हूँ तो इनशाला बाकिया पार्ट आप खुद करने के काबिल हो जाएंगे। तो अभी देखें इसका नेक्स्ट एक और पार्ट। सो बेटा ये आपका क्वेश्चन नंबर सेवन है, इसके बकिया पार्ट मैंने आपके लिए छोड़ दिए हैं, लिहाजा आप उन पे प्रैक्टिस करें इंशाल्लाह आप कर पाएंगे। देखें इसको भी क्या करना है, वही काम इसके साथ भी, यानी इसके एलिमेंट आप उठाएं ज़रा। देखें इसमें ज़रा बार बार माइनस आ रहा था, मैंने इसलिए ये इसको चूज़ किया ताकि आपको ये परेशानी ना हो कि अगर माइनस आ जाए तो फिर क्या करना है। तो बेटा नाम इनके रखेंगे हम ए है, ये एक्स के इक्वल है और इसको हम बी का नाम दे देंगे। अच्छा जब वैल्यू उठानी है तो ख्याल करना है आपने माइनस साथ साथ उसके ज़रूर उठाना है। यहाँ पर देखिए ना इसके साथ कोई साइन नहीं है तो इट मीन्स ये प्लस का है। ये तीन नंबर ऐसे थे जिनके साथ सबके साथ माइनस आ रहा था तो वो माइनस साथ आपने इसके मैट्रिक्स फॉर्म में जब लिखना है तो उठाना है इसे। ये तो उठा लिया, अब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। देखें टू माइनस फाइव माइनस टू माइनस टू। सो बेटा डिटर्मिनेंट क्या है आपके पास, देखें जरा टू टू जर फोर माइनस फोर, फाइव टू जर टेन। देखें माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक फॉर्मूले का माइनस है फिर इसे माइनस कर देगा तो ये क्या आपके पास आ रहा है माइनस फोर्टीन, यानी ए डिटर्मिनेंट आपके पास माइनस फोर्टीन आ रहा है। जरा साइन का आपने खास ख्याल रखना है। सो ए इनवर्स क्या आ रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है इसमें। हाँ जी अगर ए इनवर्स इसमें एग्जिस्ट कर रहा है तो ए इनवर्स किसके इक्वल है ये चेक करें जरा। एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, तो एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, क्योंकि डिटर्मिनेंट तो आप फाइंड कर चुके हैं जो कि आपका माइनस फोर्टीन आया। हम इसका डिटर्मिन इसका एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए देखें आप उसी मैट्रिक्स में आप वापस आए, यहाँ पर देखें इन दोनों की क्या करेंगे, इस डायगनल के अंदर जो भी एलिमेंट्स होंगे इन दोनों की आपने जगह चेंज कर देनी है, यानी टू माइनस टू यहाँ पे आ जाएगा प्लस टू यहाँ पे, और ये वाला माइनस का प्लस हो जाएगा और ये फाइव भी प्लस हो जाएगा, ये आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। सो ए इनवर्स किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ ए तो ये आपके पास है माइनस टू फाइव टू एंड टू, तो बेटा जी डिवाइडेड बाय क्या डिटर्मिनेंट देखे माइनस फोर्टीन। सो इसको नेक्स्ट स्टेप पे हम इसी पे करते हैं, क्या करेंगे माइनस वन बाय फोर्टीन को आप बाहर लिख लें और इसी को आप माइनस टू, देखें ये मेरा माइनस है ये इसको ख्याल करना है माइनस फाइव टू एंड टू, ये आपके पास ए इनवर्स आ चुका है। अब आप इसको क्या करेंगे वही काम, देखें दो मैट्रिक्स जो थी हमारे पास ए और एक्स वो इक्वालिटी के इस तरफ थी और इक्वल टू हमने बी के रखा हुआ था। एक्स जब फाइंड करेंगे तो ए उस तरफ क्या जाके डिवाइड हो जाएगा, सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा ए इनवर्स इनटू बी। ये चीज अगर आप फाइंड करेंगे सो आपका आंसर क्या आ जाएगा एक्स का आएगा जो कि एक्स वाई के इक्वल है। सो ये बाकी सही जो है वो हम वहां पे करते हैं। तो देखें
यानी x इज इक्वल टू a इनवर्स इनटू b। सो देखें बेटा, ये आपके पास 1/14 है, -1/14 और -2/5 एंड 2/2, ये मेरे पास है a इनवर्स की मैट्रिक्स। ये देखें ना, a इनवर्स इनटू b है। सो b क्या है? b तो ये है 4 और 10, -10। तो इसके साथ ही लिख देते हैं 4 -10। करें इनको मल्टीप्लाई, देखें -1/14 आप एज इट इज लेके आ जाएं, 2 4 8 -8, 10 2 20 -20। बेसिकली बीच में प्लस होता है, लेकिन अगर किसी एलिमेंट के हिसाब से उसमें माइनस आ जाए तो वो आप माइनस करेंगे उसे, 5 4 20 10 2 20 -20। सो बेटा ये इक्वल टू एक्स के है, एक्स इज इक्वल टू -1/14 एज इट इज। तो देखिए यहाँ से क्या है आपके पास, -20, देखिए ना 28 सॉरी, और नीचे से आपका क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि 20 प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा आपस में तो 0 आ जाएगा। सो अब -28 के नीचे भी आप -14 को कर दें डिवाइड, और नीचे क्या है 0 को भी -14 से डिवाइड कर दें। ये एक्स किसके इक्वल था, ये हमारा एक्स और वाई के इक्वल था। सो एक्स और वाई देखें क्या आया, यहाँ पर देखें एक्स और वाई जो हमारे पास आ रहा है, यहाँ से देखें माइनस तो माइनस से कैंसिल हुआ, जबकि 14 2 28 होता है तो 2 आ गया यहाँ से, नीचे से बेटा 0 ही होगा। एक्स के सामने क्या है 2, वाई के सामने क्या है 0, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। देखें सिंपल उसी तरीके से आपने किया क्या कि जो भी आंसर जिसके सामने आ रहा था आपने उसका आंसर दे दिया। एक ही मेथड देखें बार बार हर क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, इस मेथड को इनवर्स मेथड कहते हैं। इसी के साथ मैं आपको एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूं जिसमें डिटर्मिनेंट उसका 0 आ जाएगा, सो हम उसको आगे मजीद नहीं लेके चलेंगे। तो देखें सो ये बेटा क्वेश्चन 5 है जो मैं जस्ट अभी चेक कर रहा था, तो इसमें मैंने देखा कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 आ रहा है। देखें कैसे करना है इसको, सबसे पहले काम वही है सबके साथ कि आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म बनानी है। जैसे ही मैट्रिक्स फॉर्म बन जाए तो फिर आपने इसके आगे क्या करना है, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो देखें ये नाम आने इसके मतलब पहले इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, सो इनके नाम भी रख लिए, ये ए है, ये एक्स और ये बी के इक्वल है। सो ए डिटर्मिनेंट सबसे पहले फाइंड करेंगे, देखें 3 4 12 6 2 12, ये देखें यहाँ फार्मूले का माइनस, जबकि ये दोनों क्या है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस होने के बाद जब इस माइनस से टकराएगा फिर ये बेटा जी माइनस हो जाएगा। सो देखें प्लस माइनस माइनस होके ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे, सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 आ गया। तो आप क्या लिखेंगे, सो ए इनवर्स इज इक्वल टू, सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अगर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा तो इन्वर्जन मेथड भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहीं पे आपने इस क्वेश्चन को क्लोज कर देना है। तो ये आपका जो इन्वर्जन मेथड है बेटा, ये इन तमाम क्वेश्चंस में जो मैंने अप्लाई करके आपको दिखाया यहाँ पर क्लोज हुआ, यानी यहाँ पर लेक्चर को हम एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको एक एक क्वेश्चन की बाखूबी समझ आई होगी। अगर बेटा लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी पास किया करें, इससे मुझे बहुत हौसला मिलता है। तो नेक्स्ट हम 2.2 सेकंड चैप्टर को हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह जल्द अज जल्द कवर करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक आप तमाम लेक्चर्स को देखें, एक एक बात को नोट करें, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें। अगर फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएँ। ओके, अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर।